नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से जो शख्स हक पर होने के बावजूद, हक पर है, सच्चा है, मगर फसाद से बचने के लिए, फसाद से बचने के लिए वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाता है, आप कहते हैं अना ज़ईमुन, मैं जमानत देता हूं उस बंदे का जन्नत के अंदर मकान की, मैं जमानत देता हूं। यार कितने के हमारे मसले होते हैं प्रॉपर्टियों के, कितने के मसले होते हैं मरले मरबों के, लेकिन हम बाज़ औक़ात उतनी की जमीन नहीं होती, उतना हमारा हक नहीं होता जितना उस पर रद्दे अमल देते हैं। और वो रद्दे अमल जब बाहर निकलता है फ्रेम से, सगे भाइयों का कत्ल हो जाता है, हत्ता के कत्ल बाप का लोग कर देते हैं। बात उससे भी आगे बढ़ती है कि वो फिर चेन सिस्टम बन जाता है, जिसका जोर चलता है वो दूसरे को कत्ल करता है, जमीनें वहीं की वहीं रह जाती हैं, प्रॉपर्टीज वहीं की वहीं रह जाती हैं, चंद टके बैंकों में रह जाते हैं, लेकिन ना उनको इस्तेमाल करने वाला कोई बाहर नजर आता है, कोई जेलों में चले गए, कोई जमीन के अंदर चले गए। और वजह क्या थी, हम दुश्मनियों में भी एतदाल ना रख सके, बैलेंस ना रख सके, कंट्रोल ना कर सके, जबकि हम ये चाहते हैं कि हमारी बारी सारे नरम हो जाए, लेकिन किसी के लिए मैंने नरम शर्म कोई नहीं होनी।